दोस्तों, मैं नाम से आप देख रहे हैं DIY इलेक्ट्रिक HP यूट्यूब चैनल। गाइज, मुझे पता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है क्योंकि मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है ये आप घर पे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और इसे ट्राई करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये थोड़ा रिस्की एक्सपेरिमेंट है, तो आप इसे कर भी सकते हैं और अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते। तो इसके लिए मैंने आज बनाया है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल होता है वो बनता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और उन सारी गैसेस का यूज़ करके। तो मैंने आज पानी की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को अलग किया है और मैंने इन पर आग भी लगाई है, लेकिन मैं आपको वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वीडियो है वो शूट कर लिया था, उसके बाद मैंने आग लगा कर ट्राई किया। तो उसके बाद मैं जो ये यहाँ पर वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसकी वजह से आपको वो शायद नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो उसमें जो आग थी वो बहुत ही ज़्यादा भड़कीली थी, मतलब उसकी जो आग थी उसकी फ्लेम्स बहुत हाई थी और वो एकदम सट करके आग लगी और ऐसे भस्म हो गई आग, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ थोड़ी ही अमाउंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर था। वो एक हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल बन सकता है अगर आप उन दोनों को एक साथ एक ही कंटेनर में रखें तो इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोपी वाटर रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर ये साइड जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ऑक्सीजन गैस के बबल्स, और ये साइड जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हाइड्रोजन गैस के बबल्स। आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन के बबल्स ज़्यादा डेंस और ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, इसी वजह से वो फास्ट निकलते हैं। तो इसे करने के लिए आपको सिंपली एक प्लेट में पानी ले लेना है, उसके बाद आपको उसके अंदर सॉल्ट डाल देना है। गाइस, जी हाँ, नमक डाल देना है पानी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लोगों को उसके अंदर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रुकिए, तो गाइस आप लोगों को एक सेल ले लेना है, कोई भी ऐसा जिसके अंदर चार्ज हो। उसके बाद गाइस, जब आप उसे पानी में इस तरीके से डालोगे तो थोड़ी ही देर में आप लोगों को उसके दोनों टर्मिनल्स से बबल्स आने दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, ऐसे ही बबल्स पहले आपको नेगेटिव साइड से आने को देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको पॉजिटिव साइड से निकलते दिखेंगे, और इसे इलेक्ट्रोलिसिस इफेक्ट कहते हैं। तो जो पॉजिटिव साइड है उसके अंदर से आने के लिए आप लोगों को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया था। मैंने इन दोनों को एक कंटेनर में स्टोर करने के लिए इनके ऊपर एक ग्लास रख दिया था, जिसकी वजह से जो जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिक्स होकर उस ग्लास के अंदर भर गई थी, और वो जो ग्लास था वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल बन गया था। उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल मटेरियल और गैस थी जो कि जिसके नज़दीक थोड़ी भी माचिस लाके तो वो भड़क उठती थी और आग लग जाती थी, लेकिन वो आग सिर्फ एक या दो सेकंड के लिए ही रहती थी क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं भरी है। तो मेरा आपको यही मतलब था कि मैं आपको ये दिखा सकूं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन गैस है ये दिख रही है आपको सिर्फ एक ही कारण की मदद से, क्योंकि मैंने इसके अंदर सोप वाटर डाला है। अगर सोप वाटर आप नहीं डालोगे तो आपको ऑक्सीजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस इतनी अच्छे से नहीं दिख पाएगी। आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस सेल के अंदर से अभी निकल रही है हाइड्रोजन गैस, लेकिन आपको ऑक्सीजन गैस इतनी फास्ट देखने को नहीं मिलेगी, और आप वो निकल रही होगी लेकिन आप नहीं देख पा रहे। और अगर आप यहाँ ये रेड सब्सटेंस पूछ रहे हो कि ये क्या है, तो एक्चुअली में ये एक रस्ट है गाइस, वही रस्ट है जो कि आयरन के ऊपर लगता है जब वो पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, और हमने सीधा सेल ही उसके अंदर डाल दिया है तो उसके अंदर रस्ट लगनी ही है। तो रस्ट ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बाहर है, क्योंकि जो रस्ट है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्ट करे पानी के साथ। तो
इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू।